हम बात करते हैं कंजप्शन थ्योरी। कंजप्शन थ्योरी ये मैंने आपको मार्केट पढ़ाई, मार्केट के बाद सोसाइटी का प्रीटो ग्रुप, वो कौन सा पॉइंट है जहां पर जान। अब आप करते हैं बच्चे के अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पीपल चूज द बेस्ट दैट दे कैन अफोर्ड, द बेस्ट थिंग्स, द बेस्ट बंडल्स, द बेस्ट पैटर्न। अब जैसे मर्जी से चल, दैट दे कैन अफोर्ड, कैन अफोर्ड पे पढ़ते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्या है? अफोर्डेबिलिटी मेरी जिंदगी में अफोर्डेबिलिटी है कि मैं अपनी, जब मेरी सैलरी आती है और आप में से किसी भी जीश और आदमी की पैसे आते होंगे तो उसने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, बजट बनाना कि ये यहां जाएंगे, ये यहां जाएंगे। बजट क्या है? हम बजट को पढ़ते हैं। बजट क्या? बजट और इनकम में क्या होता है? इनकम आपके पास जो टोटल अमाउंट है, बजट क्या है जो आपने एक एलोकेट कर दिया किसी को, आपने सोचा कि मैं इसको दूंगा डायरेक्ट बजट, मैं इस पे लगाऊंगा डायरेक्ट बजट फॉर डायरेक्ट। अब हम पढ़ेंगे बजट। अच्छा हम लोग अब थ्योरी में आगे बजट प्लानिंग होगी क्या होगी। अच्छा पहले आप देखते हैं इस बुक में बंडल्स को कैसे को बताएगा। बंडल्स को बताएगा, अगर वो केले बताएगा कहता है एक्स बंडल, इसकी कॉमोडिटीज क्या है, एक्स वन और एक्स, वाई बंडल, वाई वन और जी बंडल, ठीक है। अगर वो इसको लिखता है एक्स को, इसका मतलब एक्स वन एक्स, अगर वो वाई को लिखता है तो वाई वन, अगर जी को देखता है तो जी वन जी टू। कॉमोडिटीज की बात कर, हम लोग जब सिंपल की बात करते हैं, जब हम कुछ भी स्टार्ट करेंगे तो सिंपलेस्ट करेंगे। सिंपलेस्ट करते हैं वो है वो आसानी से समझ आ सके, जिसमें हमेशा दो के दरमियान रिलेशनशिप, दो के दरमियान रिलेशनशिप है कि एक है वाई एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, तो हमारे पास हमेशा ग्राफ कुछ होगा वो टू एक्सिस होगा। तो अभी हम बनाएंगे बजट का, यहां से आप लोगों को समझ ना लगे तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा या कोई भी। सर इधर मेरा एक क्वेश्चन, क्या हमेशा ही बजट पर हमारी इनकम सेम रहेगी या नहीं? हमेशा बजट कम होगा इनकम ज्यादा होगा। अच्छा ज्यादा बजट क्या करते हैं? ठीक है इनकम तो हम वही है ना कि हमने उसको बजट अगर बना लिया तो जो सेविंग होगी वो हमारी उसमें नहीं आएगी। बजट बजट आप देखिएगा थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अगर आप जो बजट है ना वो स्पेसिफिक अमाउंट है, वो स्पेसिफिक अमाउंट हाँ किसी भी चीज के। अच्छा आप एजुकेशन पे कर, सॉरी स्पेंड कर रहे हैं, आप हेल्थ पे स्पेंड कर रहे हैं, बजट फॉर हेल्थ। जो इनकम है ना बेसिक इनकम वो किसमें जाती है? वो जाती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अच्छा इसको एक्सपेंडिचर को हम बोल देते हैं कंजप्शन, ठीक है। कंजप्शन में बजट मानते हैं, कंजप्शन में आपकी जिंदगी के शेयर हैं, शेयर ऑफ कंजप्शन, शेयर ऑफ क्लोथिंग, शेयर ऑफ फूड, शेयर ऑफ एजुकेशन, शेयर ऑफ हेल्थ, शेयर ऑफ लेजर, शेयर ऑफ टूरिज्म, जो भी आप कर रहे हैं वो जो शेयर है ना उसको बजट बोलते हैं। जब हम मैं फर्ज करो मैं ये मोबाइल ले खरीदता हूं, नहीं मोबाइल की गलत एग्जाम्पल होगी, उसमें पी मल्टीप्लाई बाय क्यू होता है बजट, क्या होता है प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी और क्वांटिटी ऑफ दैट कमोडिटी, ठीक है। आप पांच जींस खरीदते हैं इस मंथ तो आप क्या करेंगे, फाइव मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ ईच जीन, तो वो क्या होगा, वो आपका बजट होगा दैट इज एलोकेटेड फॉर कोई भी स्पेसिफिक कमोडिटी। तो उसकी हमें जब हम अगर टाइम मिला तो जब हम इक्वेशन वाइज चलेंगे तो हम देखेंगे कि शेयर कैसे बनते हैं एक्सपेंडिचर। अभी खैर अभी स्टार्टिंग है, इनकम काम भी तो हो सकती है, बजट इनकम कम हो सकती है तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अभी हम वो करेंगे जी लोन ले, नहीं नहीं बेटा फिर हमें लोन लेना पड़ेगा, हम डेबिटर होंगे या कैश करेंगे हम। अच्छा ये भी डिपेंड करता है बजट किस चीज का, मतलब ये डिपेंड करता है नेसेसरी गुड्स है ना, ये बात तो देखिए। अभी हम बजट लाए, बजट कौन सी? अच्छा इसको हम इस वर्ड से चूज कर रहे हैं कैन अफोर्ड, क्या हम जब कैन अफोर्ड की बात करते हैं तो उसे एलिबरेट करते हैं, तो दैट इज विद बजट लाइन। बजट बजट कॉन्स्टेंट क्या है आपका? टू कॉमोडिटीज दे रहा है, अजम्पशन क्या दे रहा है ऑनली टू कॉमोडिटीज, पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल टू टेन।
इससे ज्यादा ये है अफोर्डेबल पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू वेन एक्स इट इज इक्वल टू एम देन इट इज अफोर्डेबल वेन दिस इज इक्वल टू वन देन दिस इज एम दिस इज अफोर्डेबल। अच्छा इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी देखता ये क्या लिखता है, कहता है कि हम एक गुट लेते हैं, अगर हम एक गुट को देखना है दूसरी गुट को हम कंपोजिट गुट कर देते हैं, क्या कहते हैं बाकी सारी चीजें एक एक्स वन है अगर उसमें बी है तो उसके अलावा जितनी चीजें मैं करता हूं उसको मैं कंपोजिट गुट कहते हैं, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम। ये बजट जो लॉजिक है वो क्या है, एम इज बजट, एम इज इनकम, जैसे भी आपके जो आपने एलोकेट किया उसके दरमियान उसके अंदर अंदर आप ये जो चीजें हैं वो ये कंस्ट्रेन है आपके पास, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज क्या है, हम बजट टाइम ड्रॉ करते हैं, हम क्या करते हैं बजट टाइम ड्रॉ करते हैं सर, ये मुझे इसकी समझ नहीं है, ये जो पहले पेज में ये पी1 और पी2 मिसिंग करने की वजह क्या, हमने उसको डिपेंडेंट नहीं दिया, हमने कहा कि ये जो और ये कंपोजिट रूट है क्या है कंपोजिट पी1 एक्स1 वो पैसे हैं जो किस पे खर्च हो रहे हैं, टेक कम्युनिटी मैं कहता हूं फूड की बात करते हैं, फूड के अलावा जो भी परचेज करें ये उसने क्या किया, उसने पी2 को उसने कहा कि अब जो एक्स2 है ना इसे मैं डॉलर्स में क्या कर रहा हूं शो कर रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1000 रुपीज था, 100 रुपीज मैंने ये लगा दिए बाकी 900 कहां से लगाएंगे, वो मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, मैं कह रहा हूं अब मैं डॉलर की शक्ल में निकाल रहा हूं इसको, मैंने वन कर दिया, मैंने कहा कि नाउ इट इज इन डॉलर्स, इसका यूनिट बदल दी, ये कंपोजिट गुड बना ली, कंपोजिट गुड किया बाकी सारा खर्चा जो दूसरों पे हो रहा है, खर्चा जो बाकी चीजों पे हो रहा है उसे कंपोजिट गुड कहते हैं। इस पे एक ये कहां गया, ये वही है वो श्री फल, हम ठीक है मतलब मिस नहीं कर दिया। अच्छा हम लोग एक तो ये ठीक है, आप लोगों ने दूसरा कोशिश करनी है कि बुक रीडिंग की आदत डालें, क्या करने की आके और बुक रीडिंग की आदत डालने के, मैं आपको बताऊं क्रिटिकल माइंड क्या होता है, क्रिटिकल माइंड का होता है जब आप सोचते हैं पढ़ते हैं, जब आप पॉइंट्स निकालते हैं, आप सब लोगों को चाहिए कि जब आप एक चैप्टर पढ़े तो उसमें से पॉइंट निकाल रहे थे जो जो दिमाग की चीजें बची। अच्छा प्रॉपर्टीज क्या है, हम पहले बजट टाइम ड्रॉ करते हैं, ये प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ बजट है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा यहां मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं बजट सेट और एक वर्ड यूज कर रहा हूं बजट का, इन दोनों में डिफरेंस बता दो, बजट सेट क्या है, ऑल अफोर्डेबल गुड्स ऑल अफोर्डेबल बंडल्स आर कॉल्ड बजट सेट, ठीक है, जो अफोर्ड किए जा सकते हैं खरीदे नहीं है मैंने अफोर्ड किए जा सकते हैं, और बीयर क्या है बंडल्स दैट कॉस्ट एग्जैक्टली एम, बंडल्स दैट कॉस्ट एग्जैक्टली एम जो बिल्कुल एम को क्या करते हैं एग्जॉस्ट कर, एग्जॉस्ट का मतलब है आपके पास जितना बजट था उसको सारा को कंज्यूम कर लिया, तो वो गुड्स क्या होंगे वो बंडल्स क्या होंगे वो होंगे बजट लाइन, उसको हम बजट लाइन बोलेंगे। अब ये बजट लाइन क्या होता है इस अभी मैं बताता हूं जो फर्क है, ये देखिए ये अगर बजट लाइन ये बजट ये बॉर्डर पे है, किस पे है ये डेड लाइन और बजट लाइन, ये एक्स टू है और ये अब इसके अंदर जो गुड्स है ये वाले ये सारे अफोर्डेबल है, लेकिन इसके बाहर जो है क्या है आउट ऑफ एक्सेस है, आई कांट परचेज, मतलब अगर ये मेरा बजट है तो मैं परचेज नहीं कर पाऊं, ऐसे ही है। अच्छा जो ये बॉर्डर है ना इसका मतलब ये वो लाइन है जो शो कर रहा है कि पूरा एम जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो ये लाइन बजट लाइन है, इस पे जो गुड्स है इसके अंदर अंदर जो गुड्स है वो अफोर्डेबल जरूर है, उसका सेट हम बना सकते हैं, तो ये सारे क्या होंगे बजट सेट है, ये बजट सेट है और ये बजट है, ठीक है। तो बजट लाइन की इक्वेशन बनेगी, बजट लाइन की इक्वेशन बनेगी एम इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू
अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, थोड़ा सा इसे एलिब्रेट करते हैं इस बजट टाइम को। इस बजट टाइम पे एक ये इंटरसेप्ट है, एक ये इंटरसेप्ट है। अब मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा, आप देखिएगा आप इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। आप लोगों को अगर कोई चीज नहीं आ रही, अब आपने देखना है कि इंटरसेप्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल तो इस इंटरसेप्ट पे आपके ख्याल में एक्स वन क्या होगा, जीरो, और एक्स टू क्या होगा, एक्स टू जो मैक्सिमम। तो यहाँ हम नोट करते हैं कि एम एम इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू। यहाँ एक्स वन क्या है, अभी आपने बताया जीरो, और ये क्या है पी टू एक्स टू। तो यहाँ अगर मैं एक्स टू निकालूंगा तो क्या आएगा इस पॉइंट पे, एक्स टू क्या आएगा, एम ओवर पी टू। ये इंटरसेप्ट क्या होगा, एम ओवर पी टू। ये पॉइंट क्या है, इसका मतलब मैक्सिमम एम ओवर पी टू तक जा रहा है, एम डिवाइडेड बाय टू, ठीक है जी। ये इंटरसेप्ट हो गया। अब इस तरफ आते हैं, अब ये पॉइंट आते हैं इस पॉइंट को देखते, अब इस पॉइंट पे क्या जीरो होगा, अब यहाँ एक्स टू जो है वो जीरो होगा, तो क्या लिखेंगे, एम इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस जीरो। एक्स टू जीरो है तो पी टू से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, जीरो, क्या हो गया, जीरो। तो ये क्या आएगा, एक्स वन आएगा एम ओवर, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट यहाँ क्या हो गया, एम ओवर, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसको लाइन, देखिए लाइन जब बनाते हैं हम लोग, हम लोग दो चीजों से, एक इंटरसेप्ट से और दूसरा स्लोप से, एक इंटरसेप्ट से और दूसरा ज्यादा है जो है वो हम देखते हैं। यहां तक जो मसला जो बताया था, अच्छा अब हम लाइन में, अच्छा अब हम लिखते हैं m इज इक्वल टू पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स वन। अब मैं यहां इसको थोड़ा सा एक्स टू के लिए निकालता हूं, मैं किसके लिए निकालता हूं, अच्छा ये मैं अपनी मर्जी से कर लूंगा, अगर मैंने एक्स टू की इक्वेशन नहीं ली, अगर मैंने एक्स वन तो ये डिफरेंट हो जाएगा, अगर मैं एक्स टू की इक्वेशन लूंगा तो ये क्या आएगा, अब क्या मैं इसके इसके दरमियान स्टेप करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, ये सिंपल क्या करना है देखिएगा, m माइनस पी वन एक्स वन और एम ओवर इज इक्वल टू पी टू एक्स फिर डिवाइड कर दूंगा पी टू के साथ, तो ये क्या आएगा, m ओवर ये इक्वेशन है, ये आप देखिए ये इक्वेशन बनेगी, तो आप देखिएगा ये इंटरसेप्ट हो गया इस इक्वेशन का जो एक्स टू के लिए सॉल्व किया, और ये क्या होगी स्लोप के साथ साइन पे लिखेंगे, माइनस स्लोप, नेगेटिव स्लोप है तो क्या होगा ये माइनस, क्योंकि ये ऐसे बना हुआ है, ये देखिए तो ये क्या है ये माइनस, ठीक है। अब हम एक तो और है इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन, इंटरप्रिटेशन, ये होगा आपकी बुक में इंटरप्रिटेशन ऑफ स्लोप पी वन माइनस पी वन ओवर पी टू। ये कैसे निकालते हैं, उसने कहा कि अगर हम लिखते हैं पी वन एक्स वन प्लस पी टू एक्स टू इज इक्वल टू वन, ठीक, एक्स वन में चेंज आती है, एक्स वन में भी चेंज आती है और एक्स टू में भी चेंज आती है, तो ये कैसे लिखेंगे, हम देखेगा पी वन एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स प्लस पी टू, ये वैसे ही एक्सपोज कर रहे हैं, सिर्फ एक चीज आपको बताने के लिए, एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स टू इज इक्वल टू, ठीक है। अब वो कहता है कि दो इक्वेशन, ये वन है और ये टू, इक्वेशन वन को हम इक्वेशन टू से माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन वन को हम इक्वेशन टू से माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, तो हम जब ये निकालेंगे तो ये क्या आएगा, पी वन डेल्टा एक्स वन प्लस पी टू डेल्टा एक्स टू इक्वल टू जीरो, और फिर इसे हम डिवाइड कर लेते हैं, ये क्या आएगा डेल्टा एक्स टू ओवर डेल्टा एक्स वन इज इक्वल टू माइनस पी वन ओवर पी टू। आप लोग जब अपनी कॉपी पे करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि मेरी नकल ना करो, मैंने किया होगा, आपने बीच में जो इसमें मैं मिस कर रहा हूं वो आप लोग जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कैसे आप, ठीक सर, पेशेंट टू का ईयर कार्ड जी, पेशेंट टू
इक्वेशन टू ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स वन में भी चेंज हो गया, एक्स टू में भी चेंज, एक्स टू में भी चेंज, तो नया जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स। अगर आप ग्राफ में देखें नया पॉइंट क्या है, एक्स वन प्लस डेल्टा, और दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, एक्स टू प्लस डेल्टा। हम चेंज को प्लस में ही लिख सकते हैं, माइनस में, माइनस में देखिए, ये मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूं, देखिए ना आखिर चेंज जो पॉइंट आ रहा है इसको कैसे माइनस में, अगर तो चेंज अच्छा, अगर आप कहते हैं ये काम नहीं है तो वो डेल्टा एक्स में स्थान है, जब इसे हम इलेबोरेट करेंगे तो खुद को बता दो सर, माइनस माइनस में है जी, अगर उसको हम माइनस नेगेटिव चेंज हुआ तो वैसे उसकी रिप्रेजेंटेशन माइनस हो जाएगा। ये जो हम लोग इक्वेशन लिखते थे जनरल भी लिखते, इसमें साइन हम जैसे हमने डिमांड का भी पॉजिटिव लिख दिया, वो इसलिए नहीं लिखा, वो जब निकलेगा ना आप ऑटोमेटिक के थ्रू निकालोगे तो वो माइनस ही आना चाहिए, अगर माइनस नहीं आ रहा तो थ्योरी को जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो कुछ चीजें हम जनरल में क्योंकि नहीं देखते हैं। अब देखिएगा ये स्लोप किसके इक्वल आ रही है, डेल्टा एक्स टू ओवर डेल्टा एक्स, सिर्फ ये पॉइंट आपने के लिए हम ये कि आपको बता सके स्लोप जो है डेट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स टू ओवर डेल्टा एक्स, ठीक है बच्चे। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, बजट टाइम, हम कहते हैं बजट टाइम के बदलने से अफोर्डेबिलिटी बदलती है, बजट टाइम के बदलने से क्या होता है। अच्छा क्या अब ये तो एक बात है जो हमें कंफर्म होगी, बजट टाइम के बदलने से अफोर्डेबिलिटी बदलती है, बजट टाइम जिसकी ज्यादा हाई लेवल पे होगी इसका मतलब उसका बजट ज्यादा, जिसकी काम पे होगी उसका बजट कम। अब इसको क्या मैनिपुलेट किया जा सकता है, मैनिपुलेट, अब पता लग गया ना हमारे पास एक टूल है, कौन सा टूल, गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट है, आप चाहते हैं कि लोग जो है ना वो उनका बजट जो है बेहतर हो, तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें सब्सिडी देते हैं। अच्छा इनकम को बढ़ाने से बजट टाइम बढ़ जाती है। अच्छा एक चीज की कीमत को अगर ये एक्स टू है, नीचे एक्स टू की कीमत जो है वो बढ़ा देते हैं तो क्या होगी, बजट लाइन उस तरफ से क्या होगी, शरीक हो जाएगी, बजट लाइन उस तरफ से हम। अब मैं ये आपको केस स्टडीज बता दूं कि सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन पहले पढ़ा कर ली, फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ कर, अब हमने इसे डिफाइन कर लिया, अब हम इसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीजें कर रही है, हम इसे कैसे मैनेज करते हैं। बजट लाइन में हमारे पास पी है, पी वन है, एक्स वन है, पी टू है, एक्स टू है, और फिर एम है, इसका मतलब प्राइसिस का भी इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट है प्राइसिस, ज्यादा कंज्यूम होगा, पहले अगर इनकम बढ़ गया तो क्या होगा, बजट लाइन बाहर की तरफ, अगर पूरी इनकम बढ़ेगी क्या होगा, पूरी इनकम आपको ऊपर आ सकती है, मेरी सिर्फ इनकम सपोर्ट है वो किसी चीज, आपको शायद अगर याद हो आप लोग तो मुझसे बहुत छोटे हैं, एक कार्ड मिलता होता था राशन कार्ड, पढ़े लोग आपने सुना होगा यूटिलिटी स्टोर्स पे अगर आपको नहीं चलेगा चलेगा, अभी भी यूटिलिटी स्टोर्स पे जो चीजें पड़ी हैं वो सब्सिडाइज पड़ी हैं, सब्सिडाइज टारगेट सब्सिडी दिया गंदम पे, टारगेट सब्सिडी गंदम पे सब्सिडी लगा दी, अब गंदम खरीदने गए आपको बाहर से 100 रुपए सस्ती मिलती है, इसका मतलब आपको सब्सिडी इतनी मिली, लेकिन किस पे मिली, अगर आप कुछ और चीज खरीदेंगे उस पर सब्सिडी हुई, ये है टारगेट सर। एक है सब्सिडी, आपको इनकम सब्सिडी दे दी, आपको वर्दी नहीं दी, ठीक, तो ये क्या है, ये टोटल इनकम को आपकी इनकम बढ़ा देगी, अब आप आपकी ये गुड भी बढ़ेगी और ये गुड भी, अब दोनों को ज्यादा परचेज करेंगे। अच्छा अब दूसरा सिगरेट गवर्नमेंट ने खत्म करना, काम करना, तो सिगरेट की प्राइस को क्या करेगी, अब ये है कि उसका बजट कम कर देंगे, उसकी कंजप्शन जो मतलब उसका बजट ज्यादा कर देंगे, सॉरी कि यार वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे, अब यदि हम टोटल ये मूव कर जाता है बाहर की तरफ, जब इनकम बढ़ते, ठीक है जी, इनकम तो बढ़ते, अब दूसरा क्या है, ये बढ़ेगा, अब अगर एक्स एक्स वन की प्राइस बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, ये लाइन इस तरह से, ये लाइन जो है वो क्या करेगी, शिफ्ट हो जाएगी, और ये जो है क्या हुआ, एम वन की कंजप्शन, अब ये गवर्नमेंट के टूल्स हैं, क्या है, हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि दी जाता है किसी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट द बजट, गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट द बजट ऑफ पीपल, और वो यही करते हैं। अब इसमें काफी चीजें आएंगी जो बुक में होंगी, प्राइस किसी की बढ़ जाती है, रैशनिंग होती है, बजट काटने का होते हैं, कोटा सिस्टम होता है,
कोटा सिस्टम के क्या होगा, वो यहाँ से सीधी लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगा सीधी लाइन। अब एक्स वन पे कोटा लगा हुआ था तो यहाँ से लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ फिर इस तरफ लाइन हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कोटा फिक्स कर दी, इससे ज्यादा कैसे गवर्नमेंट जब इंटरव्यू करती है। तो गवर्नमेंट इस कहने का मतलब यह है कि हम ये जो बजट लाइन पढ़ते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि फॉर द सेक ऑफ पेपर, ये कहीं ना कहीं यूज होती है, ये टूल है एक इनकम को कंट्रोल करने। इसको बजट सेट में रेशनिंग भी कहते हैं जी, रेशनिंग के साथ बजट सेट, रेशनिंग जो है उसमें भी आपका जो है वो जो है वो इसको कम करते हैं, ये उसमें टोटल नहीं करते, उसका कुछ है कि प्राइस उसकी जो है वो शायद यूनिट के बाद बढ़ना शुरू हो गया कुछ, जैसे कार्बन टैक्स है, कार्बन टैक्स जैसे बिजली है आपकी हर यूनिट के बाद 300 यूनिट के बाद बिजली बढ़नी शुरू होगी, फिर 500 यूनिट के बाद और बढ़नी शुरू होगी, तो उसकी कंजप्शन जो है वो कम होनी शुरू हो जी। स्लैब हाँ जी, स्लैब कार्बन टैक्स है, किसी फैक्ट्री पे पोल्यूशन पे भी ज्यादा दिया गया कि आप इससे ज्यादा जो है मिशन करेंगे तो आपके क्या होगा, आप इससे ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उस पर आपको पर यूनिट ज्यादा टैक्स लगेगा, क्योंकि आपकी कम्युनिटी जो है वो ज्यादा पोल्यूशन पैदा करेगी, तो ये गवर्नमेंट रूल्स यूज करती है।